हमारे पास है जियो का मोबाइल और इसका मॉडल है 2403N 2403N। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसको जब हम ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद ये कुछ सेकंड के लगभग ये 40 से 50 सेकंड के बाद ये अपने आप ऑटो रिस्टार्ट हो जाता है और मोबाइल हमारा पूरी तरह से ऑन नहीं होता है। और आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें कि आप लोगों को बताया गया कि जैसे फोल्डर को कॉपी कर लें डेस्कटॉप पे और उसके बाद रीनेम कर लें और उसके बाद ये फ्लैश हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप इसको फ्लैश करें कि आपको एरर की समस्या ना आए। और जैसे कि आपने फ्लैशिंग के लिए आपने रीनेम भी कर लिया उसके बाद भी अगर फ्लैशिंग में एरर आता है तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। और वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए, मैं आप लोगों को जो तरीका बताऊंगा 100% काम करेगा और इसमें कोई क्लिक बेट नहीं है, 100% ये तरीका काम करेगा। और हम आपको दिखाते हैं, ये अभी आप लोग देख सकते हैं ये लगभग 50 सेकंड के आसपास में ये मोबाइल हमारा रिस्टार्ट होता है। और मैं आप लोगों को जो तरीका बताऊँ कम्प्लीट, आप इसको मोबाइल आपका हैंग ऑन लोगो है या रिस्टार्ट होता है या कुछ भी होता है तो फ्लैशिंग आप जो इधर फ्लैशिंग में आती है और इधर आने के बाद उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम फ्लैश कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को कंप्लीट इस वीडियो में बता दूंगा। और सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप लोगों के पास पहुँचता रहे और आप लोग हमेशा ही इस तरह से वीडियो आप देखते रहें जो कि हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो ये लगभग 50 सेकंड का टाइम लगता है इसको रिस्टार्ट होने में। और कुछ मोबाइल होंगे जो कि और पहले भी रिस्टार्ट हो जाएंगे या लोगों पे ये रुक जाता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को इसकी फ्लैशिंग करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसकी फ्लैशिंग के लिए, हम यहाँ पे हमारे पास फाइल है 2403N की और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद हम टूल में इसको टूल पे सेलेक्ट करके हम इसको फ्लैश करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो हम यहाँ पे क्यू फ्लैश टूल हम पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है तो हम इसको रिपेयर कर देते हैं। और अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और क्वालकॉम का ड्राइवर भी आपको डाल के रखना है। और उसके बाद हम यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो इसमें हमको मिलेगा कंटेंट जो कि हमें क्यू फ्लैश टूल में सेलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और लोड कंटेंट पे क्लिक करके यहाँ पे अपने फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमारी फाइल होगी और उसको हम इसमें जो ओपन करेंगे फाइल वाला फोल्डर, उसके बाद हम कंटेंट सेलेक्ट कर लेंगे। और कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद हम ये फाइल इस पर टूल पे हमारे ऐड हो जाएगी और उसके बाद हम इसको ऑटो डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। मोबाइल को हमें कनेक्ट करना है EDL मोड पे और EDL मोड के लिए हम यहाँ पे *#0* ये तीनों बटन को आपको प्रेस करके रखना है। और अगर नहीं होता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसका EDL मोड का की कौन सा होता है। और जब ये क्वालकॉम HS-USB फुल ऑर्डर 9008 इस तरह से आपके टूल पे शो करने लगे मतलब आपका क्वालकॉम मोड पे मोबाइल कनेक्ट हो गया है। और इसके बाद हम ऑटो पे करेंगे तो अपने आप डाउनलोड होने लगेगा, नहीं तो हम डाउनलोड कंटेंट मैनुअली कर सकते हैं और इस तरह से ये एरर आ जाता है। अब इस तरह से एरर आने के बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको इसको करना है। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जो आप यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं उनमें यही दिखाया गया है कि हम उस फोल्डर को जिसमें फाइल होती है उस फोल्डर को हम डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेंगे, ये इस तरह से जिसमें होता है लास्ट वाले फोल्डर में ये कंटेंट और गेट ऑल इस तरह से होता है। तो हम इसको एक बार बैक जाएंगे और इसको हम कॉपी कर लेंगे अपने डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे इसको हम कॉपी करने के बाद उसके बाद हम इसको दिखाते हैं आपको यहाँ पे जो वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे और हमारे पास यहाँ पे पहले से ही डेस्कटॉप पे है ये फाइल, हमने कॉपी कर रखा है। और उसके बाद इस फाइल को हम फिर से दोबारा से हम कॉपी कर लेते हैं और दोबारा से हम इसको कॉपी करने के बाद ये कॉपी हो जाएगी। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसमें हम इसको हम ये फाइल हमारी यहाँ पे कॉपी होने के बाद इसको हम कर लेते हैं रीनेम और यहाँ पे ये कंटेंट यही हमें सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेंगे रीनेम और रीनेम में हम इसको रख लेते हैं जियो, जो कि 2 से 3 वर्ड कहा जाता है रखने के लिए विदाउट स्पेस, हमने यहाँ पे जियो रख लिया इसको। और इसके बाद हम फिर से ओपन करते हैं अपना टूल और टूल ओपन करने के बाद यहाँ से हम लोड कंटेंट करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे वही जियो जो हमने रीनेम किया है फोल्डर को उसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद यहाँ पे हम कंटेंट फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे मोबाइल को EDL मोड पे कनेक्ट करेंगे। और EDL मोड पे जब हम मोबाइल कनेक्ट करेंगे उसके बाद हम इसको मैनुअली डाउनलोड कंटेंट करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि ये फ्लैश होता है या नहीं होता है।
और अगर फ्लैश होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो मोबाइल कनेक्ट होने के बाद हमने यहाँ पे डाउनलोड कंटेंट कर दिया है और थोड़ा हम वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये फ्लैशिंग कंप्लीट होता है या फिर से ये एरर आता है। तो ये फिर से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे फिर से ये एरर आ रहा है रीनेम करने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि ये काम जो तरीका है ये काम नहीं कर रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा है, इसका सबसे रीज़न यही होता है कि जो फाइल हम डाउनलोड किए हैं वो फाइल हमारी सही नहीं है। तो इसके लिए हम लेटेस्ट फाइल डाउनलोड कर लेंगे और हम इस आपको फाइल डाउनलोड करने के लिए आप सर्च करेंगे तो repairmymobile.in की साइट पे जो फाइल होगी वही आप लेटेस्ट वाली डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड फाइल लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करने के बाद इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम ये हमारे पास फोल्डर है और अब हम इस फोल्डर को यहाँ पे रहेगा तब भी हम इसको कर सकते हैं और इसको हम डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं। और इसमें आपको इसको रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। और इसको रीनेम करने के बाद अब हम ओपन करते हैं अपना क्विक फ्लैश टूल और क्विक फ्लैश टूल डाउन ओपन करने के बाद हम इसमें फिर से सेलेक्ट करेंगे फाइल और अब आप लोगों को हम दिखाते हैं कि इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा और आसानी से ये फ्लैश हो जाएगा। यहाँ पर हम लोड कंटेंट कर देते हैं और हम जो फाइल डेस्कटॉप पे रखे हैं डेस्कटॉप पे हम जाएंगे और GUI आप लोग देख सकते हैं इसको हम ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद हम कंटेंट वही सेलेक्ट करेंगे और कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद हम इसकी फ्लैशिंग को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हो गया और इसके बाद हम मोबाइल को फिर से कनेक्ट करते हैं EDL मोड पे और EDL मोड पे कनेक्ट करने के बाद हम इसको जब फ्लैश करना स्टार्ट करेंगे तो इस बार कोई भी एरर नहीं आएगा, 100% ये हो जाएगा। तो इसमें फाइल की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फाइल की ही आती है। अगर फाइल आपकी ओके रहेगी तो आप इसको कहीं पे भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नाम हो आप इसको फ्लैश कर सकते हैं आसानी से। और बाकी आप लोग इसको रीनेम भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये हमने जो फाइल डाउनलोड किया इस पे ये एरर नहीं आ रहा है, मतलब ये फाइल जो हम डाउनलोड कर किए थे पहले वो फाइल हमारी गड़बड़ है। तो अगर आप लोग डेस्कटॉप पे कॉपी करने के बाद रीनेम करने के बाद भी अगर आपके पास इस तरह की समस्या आती है तब आप लोगों को लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करना है और फाइल आप लेटेस्ट डाउनलोड कर लीजिए तो किसी तरह का एरर नहीं आएगा। और इसके बाद जब मोबाइल हमारा फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम मोबाइल ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद मोबाइल को हम रीसेट कर लेंगे। अगर मोबाइल हमारा लोगो पर खड़ा होता है तो हम इसको रीसेट कर लेंगे। आप लोग देखते हैं ये मोबाइल हमारा फ्लैशिंग डन हो गई है और मोबाइल को हम रिमूव करके रीसेट कर लेंगे की से और रीसेट करने के बाद मोबाइल हमारा रिस्टार्ट होगा और मोबाइल हमारा पूरी तरह से चलने लगेगा।